आज के वीडियो में मैं आपको पान प्लांट की, पान का जो पौधा होता है, वाइन होती है, उसकी कटिंग लगाना बताऊंगी। पिटल लीफ जिसे बोलते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है और हमारे यहाँ इसे एक शुभ पौधा भी माना जाता है। वैसे तो कोई शुभ अशुभ पौधा वैसे नहीं होता है, लेकिन यह है कि पूजा में, शादी ब्याह में जो पान के पत्ते हैं उनका यूज़ होता है और बिल्कुल वाइन होता है। और वाइन के जैसे कि मनी प्लांट की कटिंग हम लगाते हैं, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से पान के पत्ते की भी, पान के वाइन क्यों हम तैयार कर सकते हैं, इसके प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती हो, बिल्कुल सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती हो, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, हाँ ये है कि ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो आज ये बिल्कुल, मैं इसको देखिए कटिंग को मैंने लगाया था और आज मैंने सोचा इसको दूसरे पॉट में लगा दूँ, तो बस निकाल ही रही थी, फिर मैंने सोचा चलिए भाई वीडियो भी बना देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कटिंग सारी लग चुकी हैं, कितनी ज़्यादा, इतनी अच्छी रूट बन चुकी है। जिस तरीके से मनी प्लांट में एरियल रूट होती है, वैसे ही इसके पास भी होती है, छोटी छोटी होती है, मनी प्लांट की तो थोड़ी बड़ी दिखने लगती है। तो बस यहाँ से मैं इसको अलग कर लेती हूँ और अलग करके मेरे कई प्लांट ऐसे बन जाएंगे जिस सबके पास एक एक रूट है। जितने भी पत्ते हैं, देखिए सिंगल सिंगल पत्ते हैं ये, बिल्कुल सिंगल, और सबके पास अपनी अपनी रूट्स हैं। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया भी था, मनी प्लांट का बनाया था, मनी प्लांट को हम सिंगल लीफ से कैसे ग्रो करें, तो उसका अभी मैं आपको वीडियो लास्ट में ना दिखा दूंगी, अपडेट उसका दिखा भी दूंगी कि एकदम ठीक चल रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई उसमें सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है, कोई ऐसा वो नहीं है, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो देखिए चलिए अब इसको यहाँ से बीच से मैं कट कर देती हूँ और ये वाली वाइन मैं नहीं बीच, इसको टुकड़ों में नहीं करी, ये वाला इसी गमले में ही बाद में लगा दूँगी, क्योंकि गमला खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। फिर ये पान का ही प्लांट है तो इसी में अभी लगा दूँगी, बाकी दो पत्ते जो निकले हैं उन्हें मैं, ये देखिए कितना अच्छा सा, कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है और मानसून में और इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो जो देखिए बाकी जैसे हम लोग आजकल कटिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी होता है कि खाद नहीं लेना है, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पान प्लांट के साथ, पान के लिए कोई ऐसी अलग से मिट्टी नहीं तैयार करनी है, आपके पास जो गमले में आपके मिट्टी हो उसमें खाद मिक्स हो, सैंड मिक्स हो, मतलब इसको क्या है ना कि रिच सॉइल पसंद होती है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो एक नॉर्मल मिट्टी है, मतलब इसमें जो हम सभी प्लांट्स के लिए ज़्यादातर तैयार करते हैं, कोकोपीट नहीं है, मैं कोकोपीट जो है बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, छत पत पे ज़्यादा कर, अगर थोड़ा बहुत अब करने लगी हूँ, क्योंकि अब मिट्टी कम मुझे की ज़रूरत मुझे लगती है और कम पड़ती है तो कर लेती हूँ, वैसे नहीं। तो इसको देखिए बस लगा दिया है, इसमें कुछ नहीं, आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा दिया है ये दो पत्ते। अभी देखिएगा थोड़े दिन में बहुत तेज़ी से ये प्लांट जो मेरा पॉट है एकदम से घना हो जाएगा। और शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है, गीली मिट्टी नहीं करनी है, वेल ड्रेन इसकी मिट्टी होनी चाहिए, हल्की सी इसको सॉइल जो है ना मॉइस्चर वाली सॉइल पसंद है, मतलब मिट्टी जो है ना वो सूखना नहीं पसंद है, अगर सूखती है ना तो फिर इसके पत्ते भी सूखने लगते हैं। और खाद का कुछ मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगी इसकी केयर का, फिर प्रॉपर केयर का बता दूंगी, आज तो सिर्फ मैं कटिंग का ही बस रिपोर्ट कर रही थी। ये देखिए बिल्कुल मनी प्लांट की तरीके से इसको लगा देते हैं। चलिए मनी प्लांट की तरीके से, बहुत सारे लोग नहीं भी लगा पाते हैं मनी प्लांट, तो मैं उनको बता देती हूँ। चलिए यहीं पर बहुत सारा रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, इसी से ही बता देती हूँ, आपको मनी प्लांट भी समझ में आ जाएगा। लीफ नोड एरिया जो होता है हमको वो एक चाहिए होता है, जितना पार्ट जाता है मिट्टी के अंदर उतने पार्ट पे पत्तियां नहीं होनी चाहिए, वहां से हमें पत्तियां हटा देनी चाहिए जो पार्ट मिट्टी के अंदर जाएगा, नहीं तो सड़ जाएगा, फंगस भी लग सकती है। तो देखिए मैंने इसमें कुछ और मिक्स नहीं किया है, ये अपने आप सेट हो जाएगा, ना मैंने कोई फंजीसाइड यूज़ किया है, ना कोई रूटिंग हार्मोन, ये सब कुछ नहीं, रूटिंग हार्मोन इसमें तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं होती है,
ये देखिए ऐसे, बस एक एक सिंगल 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 पत्ती नहीं चाहिए, सिंगल एक नोड एरिया चाहिए जहाँ पे रूट हमारी निकल रही हो, मेन चीज़ वो है। लीफ तो बाद में निकल ही आएगी। यहाँ पे एक गमला थोड़ा सा जगह खाली रख दी थी कोलेस में। ये सब देखिए अभी कटिंग मैंने उसकी ड्रेस से ना कि यहाँ पे लगाई थी उसमें भी लगा दी। पानी अभी अच्छे तरीके से ऐसे देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। वैसे तो बारिश हो अब शुरू हो गई है हमारे यहाँ। ये देखिए ये मेरा मार्बल क्वीन और ये वाला मैं आपको बता रही थी नियॉन पोथोस, सिंगल लीव से ही तैयार किया था। चलिए ठीक लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, धन्यवाद।